आज हम बताने वाले हैं स्टेकर के बारे में। स्टेकर के एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे और प्रैक्टिकल व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं स्टेकर ट्रॉली अरेंजमेंट, बूम, क्योंकि बेल्ट इंक्लाइनेशन में है इसलिए बेल्ट के टॉप पे एक प्रेशर पुल्ली लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही बेल्ट रनिंग में होगी मटेरियल बेल्ट के ऊपर में आएगा, बेल्ट ऑटोमेटिक अपना पोजीशन रिटेन कर लेगी। सबसे पहले मैं बॉटम जितने भी पार्ट हैं मैं उसको आपको दिखाऊंगा। केबल रील ड्रम, ये स्टेकर के साथ साथ में ही चलता है। केबल रील ड्रम ड्राइव सिस्टम, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्टेकर ट्रॉली कैरेज व्हील आप देख सकते हैं। आगे में स्क्रैपर लगा हुआ है, इसका मेन पर्पज होता है कि रेल के ऊपर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल या लाइमस्टोन का कोई छोटा सा टुकड़ा अगर पड़ा है तो रेल क्लीन हो जाएगा। ये लिमिट स्विच है। स्टेकर का मैक्सिमम पोजीशन और मिनिमम पोजीशन के बीच में ही चलना है। अगर इसके आगे में एक्सटेंड करेगा तो प्रॉक्सी सेंस कर लेगा और इमीडिएट स्टेकर को रोक देगा। अभी स्टेकर शट डाउन में है इसलिए आप ड्राइव देख सकते हैं, अभी ओपन कंडीशन में है। इसका एक बेयरिंग डैमेज हो गया, उसका रिप्लेसमेंट चल रहा है कैरिज व्हील का। स्टेकर में स्ट्रक्चर ट्रॉली को चलाने के लिए चार ड्राइव लगे हुए हैं, तो अभी ड्राइव तो ओपन कंडीशन में आप देख सकते हैं। ये पहला है, ये दूसरा ड्राइव है, ये गियर मोटर है। गियर यूनिट डिसमेंटलिंग कंडीशन में है, कैरिज व्हील। ये थर्ड नंबर ड्राइव सिस्टम है, ये असेंबल्ड कंडीशन में है आप देख सकते हैं। ये फोर्थ नंबर ड्राइव सिस्टम है, एक गाइडेड सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बूम बेल्ट स्ट्रक्चर के साथ में चलती रहती है। ये भी आप देख सकते हैं जो जो भी बेयरिंग है, हाउसिंग ऑटोमेटिक कनेक्टेड होता है ग्रीस लुब्रिकेशन सिस्टम से, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये पॉइंट आप देख सकते हैं, एक यहाँ, दूसरा, तीसरा, और जितने भी मूवेबल बेयरिंग्स हैं, मूवेबल पार्ट है, हर पॉइंट पे ग्रीसिंग सिस्टम होता है। बूम रोटेशनल ड्राइव, इस ड्राइव से टोटल बूम 180 डिग्री में घूम सकता है। इसका आप पिनियन और गियर यूनिट आप देख सकते हैं। टोटल बूम को रोटेशन करने के लिए ड्राइव सिस्टम है। बूम पोजीशनिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर बूम से कनेक्ट होता है। और एच पर रिक्वायरमेंट, बूम कितना डाउन लेना है, कितना अप लेना है, इस हाइड्रोलिक सिलेंडर से आसानी से किया जा सकता है। ये स्टेकर केबिन है, यहाँ से स्टेकर ऑपरेट किया जाता है। डेस्क है, यहाँ से स्टेकर को ऑन ऑफ कंट्रोलिंग सब कुछ यहीं से होती है। कंट्रोल केबिन भी स्टेकर कैरिंग कैरेज पे ही माउंटेड होती है आप देख सकते हैं। शायरन सिस्टम है, जैसे ही स्टेकर रनिंग मोड में आएगा इमीडिएट हॉर्न बजाएगा, जैसे कि यहाँ पर कोई आदमी काम कर रहा हो तो तुरंत इमीडिएट अलर्ट हो जाएगा। पास में ही रिक्लेमर है, इसके बारे में भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इंटरमीडिएट पुल्ली सिस्टम,
स्टेकर बूम बेल्ट का काउंटरवेट अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ से ओवरऑल व्यू दिखता है, हेड ड्रम, डिफ्लेक्टर प्लेट, रिफ्लेक्टर प्लेट को एडजस्ट करने का लीवर है आप देख सकते हैं, बूम बेल्ट ड्राइव सिस्टम। तो ड्राइव सिस्टम में आप देख सकते हैं मोटर है, इसके बाद फ्लूट कपलिंग, इसके बाद में मैग्नेटिक क्लच, फिर गियर बॉक्स। आप देख सकते हैं हेड ड्रम का लैगिंग यहाँ डैमेज है, तो इसका मेन सिर्फ एक ही रीजन होता है, अगर इंटरनल स्क्रैपर प्रॉपर वे में ना हो। मेन फीड बेल्ट डिस्चार्ज सूट, इंपैक्ट एडलर्स, क्योंकि लाइमस्टोन बहुत एब्रेसिव नेचर का होता है इसलिए जो भी इसका सूट है, डिस्चार्ज सूट है, प्रॉपर हार्ड प्लेट का बना होना चाहिए। बेल्ट स्विच, अब हम चल रहे हैं बूम बेल्ट के टेल पोर्शन पे। पुल कार्ड अरेंजमेंट, यहां से बूम बेल्ट से मटेरियल डिस्चार्ज होता है, सामने में डिफ्लेक्टर प्लेट भी है, तो फीडिंग पॉइंट मेन यही है। ये टिल्ट स्विच है, बेल्ट डिस्चार्ज के पॉइंट पे दो टिल्ट स्विच लगाई जाती है, एक हाई लेवल एक लो लेवल, और इसी लेवल को सेंस करके ऑटोमेटिक बूम अपना पोजीशन चेंज करता है कि डाउन आना है कि अप आना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छी खासी जानकारी आज स्टेकर के बारे में हुई होगी। हम डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कितने टाइप के स्टेकर होते हैं, कैसे एसोसिएट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन में ध्यान देना रहता है, क्या क्या चीज़ मेंटेनेंस में अहम है, तो ये हम डिटेल में आपको वन बाय वन वीडियो बना के जरूर देंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको इमीडिएट आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।